हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप भी हो रहे हो दांतों की समस्या से परेशान, आपको भी लोगों के सामने जाने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है, आपके दांत पीले पीले से लगते हैं, बिल्कुल वाइट नहीं दिखते हैं, आपके जो मसूड़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं, आपके सामने वाले दांत वो तो बहुत ज़्यादा पीले दिखते हैं एंड काई सी जम जाती है दांतों में। हम लोग डेली ब्रश नहीं करते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बट आप अगर ब्रश एक दिन छोड़ के एक दिन भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ कि आपके दांत है बिल्कुल वाइट हो जाएंगे और आपके दांत एकदम मजबूत हो जाएंगे। आपके मसूड़े भी, यानी बहुत लोगों के होते हैं कि मसूड़ों में से खून निकलते हैं, वो भी नहीं निकलेंगे, आपके दांत इतने ज़्यादा वाइट हो जाएंगे कि आपको लोगों के सामने यानी कि हंसने में बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी शर्म वाली फीलिंग नहीं आएगी और आप भी अच्छे से खुल के बात कर सकते हैं, हंस सकेंगे। तो गाइज़, ये रेमेडी तो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाई है, आप ही इस वीडियो को पूरा देखें। जिसको दांतों की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है वो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इतनी आसानी से बताऊंगी कि आपके दांत है वो अगले दिन ही आपको रिज़ल्ट दिख जाएगा, एकदम वाइट हो जाएंगे, चमकने लग जाएंगे। बट आपको मैं जिस स्टेप से बताऊंगी उस स्टेप से पूरे को देखना है, वीडियो इसकी बिल्कुल नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कब कब लगाना है और दांतों पर किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो ये लिया लहसुन। लहसुन हमारे जो दांतों में जो पीलाहट होती है और जो हमारे मसूड़ों में जो दर्द होता है, मसूड़े कमज़ोर होते हैं, इन सभी की समस्याओं से हमें दूर रखता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, लहसुन लिया है। लहसुन हर किसी के घर में मिल जाता है आसानी से, तो ऐसा नहीं कि पूरा ही लहसुन ले लेना है, हमें एक से दो कली लेनी है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो हमारे जो मसूड़े हैं वो जलने स्टार्ट कर देंगे। आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है लहसुन का, बहुत कम यूज़ करना है लहसुन का। तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से कली को निकाल लिया। अगर आप सब्जियाँ बनाते हो या कुछ भी बनाते हो तो आप लहसुन को इस तरीके से ही छील सकते हो, इतनी आसानी से छिल जाएगा कि हमारे नाखूनों को भी इसमें बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, हमारे नाखून भी नहीं टूटेंगे। तो जो हम लोग ये यूज़ करते हैं लहसुन, इससे ये होता है कि हमारे दांतों में जो ब्राइटनेस होती है, हमारे दांतों में जो पीलापन होता है, किसी किसी के हल्के पीले दिखाई देते हैं और किसी के बहुत ज़्यादा, तो ऐसे ही जिसके कम पीले दिखाई देते हैं किसके ज़्यादा दिखाई देते हैं, ऐसी ही समस्याओं से आप बच सकते हो। इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने दो लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो आपको भी मैंने पहले ही बताया था ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वरना आपके मसूड़े हैं वो जलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से इसको, यानी कि कोई भी आप बर्तन ले, कोई बेलन ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने उखल मूसली का जो ऊपर का होता है वो लिया, इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यानी पीस लेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं, इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे, मतलब बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे इसको। एंड गाइस, आप लोगों को होता है कि हम लोग कहीं फंक्शन में जाते हैं एंड कहीं हम लोग कोई भी पार्टी में जाते हैं तो लोग हमारे दांतों को देख के एक बार टोक ही देते हैं। तो आप ऐसे ही आप इन्हीं समस्याओं से परेशान हो रहे होंगे, तो आपके लिए तो स्पेशली वीडियो मैंने शेयर किया है। गारंटी से बताती हूँ, आपके जो दांतों में जो अंतर दिखाई देगा ना, वो अगले दिन से ही दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। एंड मैं आपको बताऊँगी कि इसको कितनी बार लगाना है दिन में, कितनी बार लगाना है वीक के अंदर, और कब कब लगाना है और किस तरीके से लगाना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने पीस लिया नींबू। नींबू हमारे दांतों में जो गंदगी होती है उसको एकदम साफ़ करता है। नींबू तो हम लोग कुछ भी, जैसे बेकिंग सोडा है कुछ भी डालते हैं, हम लोग अपने हमारे दांतों को लगाते हैं, दांतों की जो चमक है ना वो इसके अंदर से आती है, नींबू के अंदर। नींबू हमारे जो दांतों की जो सामने की जो लेयर होती है, जो एक्स्ट्रा लेयर होती है, जैसे इन पीलास दांतों में हो जाती है, ऐसी लेयर को ख़त्म करता है। यहाँ डाला था नमक, यहाँ नमक मैंने काला वाला नमक डाला है। इस तरीके से तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक ये होता है कि हमारे जैसे टूथपेस्ट में होता है ना कि नमक, इस तरीके से हमारे दांतों में जो जम्स हैं यानी कीड़े हैं वो नहीं लगते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो जैसे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो भी आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, कोलगेट डाला है। कोलगेट इसलिए डाला है क्योंकि हम लोग ब्रश करते हैं तो ब्रश के टाइम में कोलगेट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो आप कोलगेट, यहाँ हम लोगों को कोलगेट यूज़ करनी है। आप अगर और भी टूथपेस्ट यूज़ करना चाहते हो तो आपको मैं अवॉइड करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोलगेट यूज़ करें। एंड गाइस, आपके पास अवेलेबल नहीं है या आप परचेज़ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा दूर पड़ता है मार्केट, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप जो कोलगेट यूज़ करते हो यानी कि कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करते हो उसको भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। एंड मैं आपको यूज़ करना बताऊँ किस तरीके से यूज़ करना है। अगर आप दांतों की परेशानियों से परेशान हो गए हैं तो आज ही आप अपनी परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। मैंने अपने ब्रश पे ये इस तरीके से पेस्ट लगा लिया एंड अब दांतों को साफ़ कर लेंगे। इसको वीक में 3 बार लगाना है, जैसे हम लोग ब्रश करते हैं वैसे ही करना है। तो गाइज़ आपको रेमेडी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।